समय मैं उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद टूडला पर खड़ा हुआ हूँ और जैसा कि नरेंद्र मोदी जी का जो आदेश है, देखते हैं इस आदेशों का कितना पालन कर रही है। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम है, काफ़ी अलर्ट है और हमारा पुलिस प्रशासन और इस मतलब अंजाम को देखिए बखूबी निभा रहा है और जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं जो लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और ये बार बार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है एक महामारी है जिसके चलते सभी प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के मिलने पर उसको प्रयासरत ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी भयंकर बीमारी है जिसके चलती है आज बिल्कुल लॉकडाउन है हिंदुस्तान के अंदर। आज एक लॉकडाउन है, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक लॉकडाउन है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन अपनी भूमिका को अच्छी तरीके से निभाता नजर आ रहा है। इस समय हम सुभाष चौराहे पर खड़े हुए हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर यहाँ पर मिलता है तो उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं वीडियो में पुलिस किस तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। बड़े बड़े लोग मेरे साथ ही साथ देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितनी मतलब जद्दोजहद होने के बावजूद भी देखिए वहाँ पर देख सकते हैं भीड़ इस तरीके से, देखिए किस तरीके से ये जनता साथ नहीं दे रही है। और वहीं पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार हाई अलर्ट पर होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की देखिए लापरवाही बरती जा रही है। और देखिए बार बार मना करने पर भी ये लोग अपनी बात से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन इनको बार बार समझाने का प्रयास कर रही है कि किसी भी प्रकार का कोई भी मैटर गंभीरता को ना ले, कोई भी मैटर गंभीरता में ना आ जाए। लेकिन आज 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 24 घंटे पहले से इस बात की घोषणा कर दी गई है, लेकिन बावजूद उसके जनता बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम है, पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है, पूरे मतलब क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर तैनात है। वहीं पर किसी भी प्रकार की अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति नज़र आता दिख रहा है तो उसको परामर्श दिया जा रहा है कि घरों में रहें, तकरीबन 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में एहतियात बरतें। और जहाँ तक जो कोरोना वायरस है ये मनुष्य के बाल से तकरीबन 900 गुना छोटा है और देश ही नहीं पूरे वैश्विक महामारी का प्रकोप के चलते चाइना और इटली जैसे हालात देश में ना हो, जिसलिए केंद्र सरकार राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग को भी हाई अलर्ट पर रखा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अशिक्षित जो जनता है उसको जागरूक करें और इस बीमारी से निजात पा सकें। आइए देखिए हम सर से बात करते हैं, सीईओ साहब से बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। हाँ सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम है अजय सिंह चुमन, सीओ टुल्ला। अच्छा सीओ साहब, किस तरीके से आप मतलब इस चीज़ को देख रहे हैं, लोगों को प्रयास आपका प्रयास है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या लोग आपका समर्थन कर रहे हैं या निर्देश का पालन कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर सड़क तो बिल्कुल खाली है, एक आध लोग जो है इमरजेंसी में जी निकल रहे हैं, किसी की तबीयत खराब है, कोई ख़राब है, या जैसे पीछे देखिए दूध लेके आया है, इसी तरह इमरजेंसी आवश्यक सेवाएं या इमरजेंसी वाले या ड्यूटी जाने रेलवे के, इसी तरह के लोग बाहर हैं। बाकी जनता का पूरा समर्थन, क्योंकि जनता समझ रही है कि ये ऐसा दुश्मन है जो हमें दिख नहीं रहा है, डायनासोर की तरह दिखेगा नहीं, चुपचाप आके हमें घेर लेगा। इससे बचाव सिर्फ एक प्रकार से है कि हम किसी तरह अपने घर से ना निकलें, और जनता ने आज यही किया है और ये साबित किया है, और जनता के साबित करने से ये पता चल रहा है कि कोरोना से हमारा भारत बचा रहेगा। सर, टूडला शहर में पुलिस विभाग की कितनी गाड़ियां दौड़ रही हैं तकरीबन लोगों को जागरूक करने के लिए? पुलिस विभाग की जितनी गाड़ियां हैं पूरे ज़िले में और जितने कर्मचारी हैं सारे इस समय सड़कों में हैं। सारे प्रशासनिक अधिकारी आला अफसर सब मौजूद हैं यहाँ पर? जी सर, अगर पूरे क्षेत्र में क्लस्टर गाड़ियाँ और हर जगह बांटी हुई ड्यूटी है। सर, जैसा कि अभी हम देखे आए हैं स्वास्थ्य विभाग जो भी स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र वो बंद है और कुछ ज़रूरी चीज़ें भी हमको बंद दिख रही हैं, यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध अगर दिखता है तो उसके लिए सर क्या हमें नया कदम उठाना पड़ेगा अभी तुरंत तत्काल? संदिग्ध मतलब जैसे मान के चलो आपको संक्रमित दिखाई दे गया, क्या करेंगे? अगर सूचना ऐसी मिलती है तो उसके लिए सीएमओ साहब का नंबर मेरे पास है और स्वास्थ्य सेवाएं अलर्ट हर जगह तुरंत पहुँचती हैं, हेल्पलाइन नंबर भी हैं उनके और मेरे पास तो सीएमओ साहब का नंबर भी है। देखिए हमने यहाँ सीईओ साहब से बात की, उन्होंने बताया कि वो अपनी अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग व पुलिस विभाग को हम थैंक्स बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं कि इसी तरीके से अगर कार्य चलता रहा तो हो सकता है कि कोरोना वायरस को पूर्ण रूप से यहाँ से मिटा दिया जाएगा। रवि प्रकाश, उत्तर प्रदेश प्रभारी, कल्पतरु।